नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे कुछ छोटी छोटी सामान्य गलतियां, जैसे कूड़ेदान। कूड़ेदान छोटी नहीं, बड़ी गलतियां हो जाती है। लोग इसे छोटा समझ के अनदेखा कर देते हैं, जहां तहां रख देते हैं घर में, यहां तक कि लोग रसोई घर में भी रख देते हैं। तो कूड़ेदान है आपके घर में, झाड़ू है और साथ में आपके घर के जूते चप्पल है, इन सब की विशेष ध्यान देनी चाहिए। छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न कर देता है। इसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है और आपके आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। तो आइए आज के अंक में हम देखते हैं कि डस्टबिन, सबसे पहले नंबर पे लेते हैं डस्टबिन, कूड़ा करकट। तो डस्टबिन आपके घर में छोटा बड़ा जैसा भी हो, आप जैसा भी यूज करते हो, ढक्कन वाला यूज करें। सबसे पहली बात कि वास्तु के अनुसार कूड़े को खुले में नहीं रखना चाहिए घर में। आप बाहर में जहां भी फेंक दे कोई बात नहीं, लेकिन घर में जो आप कूड़ा रखते हैं, चाहे वो कोई भी कूड़ा हो, घर का कूड़ा हो, झाड़ू देने के बाद निकलता हो, या फिर रसोई घर का हो, या फिर अन्य कोई कचरा हो, आपको हमेशा कूड़े को ढक के रखना है, पहली बात। अब कूड़ादान कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना है, हम इस चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि कहाँ पर बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। आप समझ गए, नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरब और उत्तर के दिशा में, मतलब कॉर्नर की दिशा। नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब होता है ईशान को। आप यहाँ पे डस्टबिन नहीं रख सकते घर में, बिल्कुल नहीं रख सकते। साउथ ईस्ट, यहाँ रखने से क्या होता है, अनावश्यक आपको तनाव आएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी। साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब कॉर्नर पर भी नहीं रख सकते, मतलब आग्नेय कोण में नहीं रख सकते। मैंने यहाँ काट दिया, ये दिशा में नहीं रख सकते। धन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी अगर आप यहाँ पर डस्टबिन रखना शुरू कर देते हैं, खास करके खुला डस्टबिन बिल्कुल नहीं रखें। तीसरी स्थिति है कि आपको पूरब में भी नहीं रखनी है, पूर्व दिशा में भी नहीं रखनी है। ये तो तीन स्थिति कर दी। चौथा है ब्रह्म स्थान, ये साफ सुथरा स्थान है आपको यहाँ। इतना जगह तो हमने काट दिया कि आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। अब रखा कहाँ जा सकता है, इसे तो कहा जाता है उत्तर दिशा में भी ना रखें, लेकिन इसको रखना कहाँ है। रखने का सबसे अधिक जो उचित स्थान जो बताया गया है साथ, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहने का अर्थ होता है ये पश्चिम दिशा। अगर आप यहाँ से इस प्रकार 50% इसका नापते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दिशा में आप कहीं भी रख सकते हैं दक्षिणी, चूँकि ये विसर्जित करने का स्थान है। आपके घर के जितने भी तरह के फालतू चीज़ें हैं उसे आप विसर्जित करने के लिए ये स्थान उचित है। दूसरा स्थान आता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब बाई कोण का दिशा में, इस दिशा में इतना दूर में आप कहीं भी रख सकते हैं उत्तर पश्चिम। सबसे उचित और परफेक्ट दिशा है बाई कोण, कि इस दिशा में आप डस्टबिन रखें। अब आप कहेंगे कि घर हमारा उत्तर दिशा में नहीं है, पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में, अब हम क्या करें। तो आपको कुछ जो बातें ध्यान देनी है, सबसे पहले कि रसोई घर में भी लोग डस्टबिन रखते हैं, आपको ऐसा करने से बचना है। रसोई घर के अंदर में खास करके ऐसे तो डस्टबिन नहीं रखनी चाहिए, रखते भी हैं अगर किसी कारणवश जगह नहीं है तो खुला डस्टबिन बिल्कुल ना रखें। घर के अंदर एक अलग डस्टबिन जो होता है, अब लोग कुछ लोग करते क्या है कि द्वार पर रख देते हैं, दरवाजे के पास में या दरवाजे के बगल में रख देते हैं, आते जाते कूड़े करकट पे नज़र पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपका किसी भी दिशा में द्वार हो, वहाँ पर द्वार के पास आपको डस्टबिन नहीं रखना है। डस्टबिन ऐसे जगह पे रखना है कि आपको आते जाते उस पर नज़र ना पड़े, उस पर दृष्टि ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। रखने की दिशा हमने बता दी, आपका अगर किसी डायरेक्शन में घर है, आपकी मजबूरी है तो आप रखें, तो कुछ सावधानियां हैं कि उसको हमेशा ढक के रखें, आपके दृष्टि पर ना हो ऐसी जगह पे उसे रखें, एक साइड में रखें, और कुछ जो मुख्य जगह है इन जगहों पे तो बिल्कुल नहीं रखना है। ये हो गई डस्टबिन। अब आइए जूते चप्पल पर आते हैं। अक्सर लोगों की आदतें होती है कि जूते चप्पल जहाँ तहाँ खोल खाल के फेंकते रहते हैं, बिल्कुल नहीं करना। जूता चप्पल हमेशा आपको व्यवस्थित रखना है, आके दरवाजे पे तो बिल्कुल जैसे तैसे नहीं फेंकना, उल्टा जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। गंदा जूता चप्पल ये भी उचित नहीं है, टूटा फूटा ये तो रखना ही नहीं है। शनि का प्रकोप होता है, जूते चप्पल व्यवस्थित रूप से नहीं रखेंगे, उल्टे सीधे करेंगे कार्य, तो शनि का प्रकोप अच्छा नहीं माना जाता। जूते चप्पल व्यवस्थित रखें, जहाँ भी रखें दरवाजे के सामने नहीं रखें, दरवाजे से हटा के रखें। बचना कहाँ है आपको, ईशान कौन से बचना है, आग्नेय कौन से बचना है, इन सब दिशाओं से बचना है, ब्रह्म स्थान से बचना है। अब द्वार के पास तो लोग रखेंगे ही रखेंगे, तो द्वार से आपको किनारे में रखना है।
आप जूते चप्पल का रैक रखते हैं तो खुला रैक बिल्कुल नहीं रखें, रैक रखें उसे ढक के रखें, पर्दा लगा दें या डोर वाला रैक खरीदें उसमें जूता चप्पल रखें। ध्यान देना है कि रसोई के बगल में नहीं हो, पूजा घर के बगल में नहीं हो, ये प्रमुख चीज़ें ध्यान देने की बात है। तीसरी बात, झाड़ू, झाड़ू भी प्रमुख चीज़ें हैं। सभी घर में झाड़ू है, झाड़ू क्या करता है, घर के गंदगी को बाहर निकालता है। झाड़ू को ईशान कोण में बिल्कुल नहीं रखना है, हमने काट दिया, ईशान कोण में नहीं रखना है, आग्नेय कोण में नहीं रखना है, पूरब तरफ नहीं रखना है, बीच में भी नहीं रखना है। अन्य दिशाओं में आप व्यवस्था कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। झाड़ू, इस पर सबसे प्रमुख चीज़ है कि झाड़ू आपने लगा दिया घर में, इसे द्वार पर खड़ा ना करें, घर के कोने में खड़ा ना करें, खड़ा करके नहीं रखना है। आप इसे जहाँ भी रखें ये आपकी दृष्टि से ओझल रहे, मतलब आते जाते आपके नज़र ना पड़े झाड़ू पर, ये अच्छा नहीं माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो ये तीन चीज़ें हमने बताई, ये तीन सावधानियाँ रखिए, आपके घर में वास्तु की समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है इन कारणों से वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।